हेलो गाइस, आज मैं कुछ बात करने जा रहा हूँ, वो भी छोटे बच्चों के बारे में। एक डिजीज फैल रही है बहुत ज्यादा, और ये डिजीज के बारे में हमें पता नहीं है। बहुत डेंजरस हो सकती है बच्चों के लिए। जानिए कैसे, मैं बताता हूँ। क्या आइए मेरे साथ। और एक और बात जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, छोटे बच्चे सभी को प्यारे होते हैं, पेरेंट्स के लिए भी, पेरेंट्स के अलावा हम जैसे टीचर्स के लिए भी, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हमें ये पता नहीं है उनके आसपास ऐसा कुछ चल रहा है जो बहुत डेंजरस हो सकता है। Let's talk about the children. Actually, आपको जान के बहुत अजीब लगेगा, एक बहुत खतरनाक बीमारी हमारे बच्चों के साथ फैल रही है, उनके साथ हो रही है, और हमें नहीं पता, जिससे उनको एंजाइटी हो सकती है, उनकी आईसाइट वीक हो सकती है, और बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम में आ सकती है। जानना चाहेंगे क्या चीज है? जी हाँ, ऑफ कोर्स, वो बीमारी है फोन, मोबाइल फोन, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा एंगेज रहते हैं। उनको खाना खाते वक्त फोन चाहिए, गेम खेलते वक्त फोन चाहिए, हमेशा फोन यूज करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आईसाइट भी खराब होती है। बहुत कम एज में उनके चश्मा लग जाता है। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये बीमारी क्यों हो रही है। आजकल एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, AI, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है कि अगर इंस्टाग्राम फेसबुक अगर आप चला रहे हैं और आप जो स्टोरी देख रहे हैं, जितना टाइम स्पेंड करेंगे आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कैलकुलेट करता है जिस स्टोरी पे या जिस पोस्ट पे आपने ज्यादा टाइम दिया है, वो वही चीज आपको बार बार दिखाता है, क्योंकि उनको अपना टाइम कैलकुलेट करना है, जितना ज्यादा टाइम देखेंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, एक स्क्रॉल किया, काफी देर स्पेंड किया टाइम, नेक्स्ट वही चीज उनको दिखाई जाएगी। जस्ट अ काइंड ऑफ अ ड्रग, जैसे अगर आपको एक ड्रग दिया जाता है नॉर्मली, कोई भी आपने लिया, तो अगली बार आपको और इच्छा करती है लेने की, और फिर आपको वो चाहिए, फिर दोबारा फिर चाहिए, फिर चाहिए, फिर चाहिए, फिर चाहिए। तो दोस्तों, आपके बच्चों के लिए ये एडिक्शन छुड़वाने के लिए हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जी हाँ, सॉल्यूशन ये है। उससे पहले एक और बात करना चाहता हूँ, वन मोर थिंग। आजकल पेरेंट्स बहुत स्मार्ट है, पेरेंट्स पहले बच्चों को फोन दे देते हैं। अगर एक हाउसवाइफ है घर में, वो काम कर रही है और बच्चा उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो हाउसवाइफ क्या करेगी, बच्चों को बोलेगी बेटा फोन चलाओ, मैं जब तक काम कर लेती हूँ। वो बच्चा कंटिन्यूसली फोन चलाता है। घर में शाम को पापा आते हैं और अपने फोन में लगे रहते हैं, मम्मी ये किचन में एंगेज है, बच्चे को एक और फोन पकड़ा दिया, बच्चा लगा हुआ फोन नहीं है तो शायद उसको आईपैड दिला देते हैं, उसमें लगा रहता है। आदत आप खराब कर रहे हैं, फिर जब वो आदत एडिक्शन बन जाएगी, फिर आप बोलेंगे हमारे बच्चे ने ऐसे कर दिया। देखिए, सबसे पहले बच्चे का टीचर होता है उसके पेरेंट्स, उसका पेरेंट्स उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स उसकी आदतों को खराब कर रहे हैं, देन उसके बाद बच्चा फोन में एंगेज हो जाता है। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, जिद करता है आपसे, मुझे फोन चाहिए, फोन चाहिए, फोन चाहिए, फोन चाहिए, फोन चाहिए। गलत बात है, उसको फोन मत दीजिए, उसको खाने पर ध्यान दीजिए। वो बच्चा फोन चला रहा है, क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले पेरेंट्स से बोलूंगा, स्पेशली रिक्वेस्ट है, ये चीजें मत करिए, आगे जाके आपके बच्चे के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। प्लीज याद है, पहले हमारे बच्चे ग्राउंड में खेलने जाया करते थे, वहां के सूने गार्डन, वहां के सूने झूले उन बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। याद है गार्डन में लेडीज शाम को जाया करती थी, बातें किया करती थी, गॉसिप हुआ करती थी, एंजाइटी दूर हुआ करती थी, आपस में लोग जानते थे शर्मा जी के यहाँ कौन है, वर्मा जी के यहाँ पे कौन है। उसी प्रकार से जब होली फेस्टिवल होता था तो मिलजुल के होली मनाया करते थे, दिवाली मनाया करते थे। लेकिन अब ये मोबाइल फोन ने हम सबसे ये चीजें छीन ली है, और इसको दूर करने के लिए आप सभी पेरेंट्स से मेरी दरख्वास्त है, हम उसके लिए एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं, उसके लिए दवाई लेकर आए हैं। वो है आर्ट एंड आर्ट एकेडमी का लेटेस्ट जयपुर में होने वाला वर्कशॉप। जी हाँ दोस्तों, जिसके थ्रू आपके बच्चे अपना टाइम स्पेंड करेंगे क्रिएटिव के साथ, रेजिन आर्ट के साथ, पेंटिंग के साथ, कैलीग्राफी के साथ, क्ले मॉडलिंग के साथ, पोट्री के साथ, बहुत सारे वर्कशॉप हैं। आप उन वर्कशॉप में बच्चों को एंगेज करिए, बच्चा फोन से दूर रहेगा, यहाँ पे आके कुछ सीखेगा, अलग अलग बच्चों से इंटरेक्ट करेगा, एंजाइटी दूर होगी, बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो आर्ट एंड आर्ट एकेडमी जयपुर में प्लीज अपने बच्चों का एनरोल कराइए और मोबाइल से छुटकारा पाइए। मोबाइल मुक्ति केंद्र, आर्ट एंड आर्ट एकेडमी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।